सीरीज आर्टिकल्स बाय मैनी। आज हम काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जी ज्वाइन हुए हैं केमिस्ट्री की सेल्फ असेसमेंट। मेरी सेल्फ असेसमेंट पहुंच गई थी कोई चैप्टर नंबर 5 तक, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की सॉल्यूशंस की। आइए, ये जी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इज 119 ग्राम एंड 170 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है, वो आप देख सकते हैं कि इफ़ यू ऐड 170 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मच विल इट डिसॉल्व। जब आप सोडियम यानी कि सोल्यूट ज़्यादा डालेंगे और सॉल्वेंट का टेम्परेचर रूम 0 डिग्री रखेंगे तो वो 119 ग्राम ही डिसॉल्व होगा, बाकी का नहीं होगा। अच्छा जी, इफ़ द सॉल्यूशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड में ये होता है कि कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, अनसैचुरेटेड में थोड़ा सा रह जाता है, और सुपर सैचुरेटेड में अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाते जाएँ तो साथ साथ डिसॉल्व होता जाता है, लेकिन ये सैचुरेटेड है। सी पार्ट है हीटेड तो फिर सुपर सैचुरेटेड, जाहिर बात है मैंने आपको भी जैसे बताया। और डी पार्ट में बैक टू द क्रिस्टल, 0 डिग्री पर दोबारा लाएं तो क्रिस्टल सैचुरेट होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर बात है हम जब करते हैं तो वो कुछ डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ा बहुत जब हम सॉल्यूशन कूल करते हैं थोड़ा बहुत दोबारा अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा जी, अब है सेल्फ असेसमेंट 6.2। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट। अब आप देखें कि सॉल्यूशन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और इस तरह आपने एक ना ग्रिड बनानी है। और वैसे बेसिकली ये वाले क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको एक व्यू दिखा देती हूँ कि आपने इसमें इन पार्ट्स का ये आंसर लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने अरेंज किया हुआ है और आंसर आ रहा है, बस ऐसे ही जस्ट लिखा है। ये 6.3 की तरफ आते हैं। राइट फोर वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मास बाय मास, कि आपने शायद पढ़ा हुआ भी ना हो। ये होता है मास बाय मास परसेंट, वी बाय एम, मास बाय वॉल्यूम, एम बाय वी एंड वी बाय वी। ओके, बेसिकली इसमें ज़्यादातर सॉल्यूशन हम करते हैं, ये एक हाई लेवल की स्टडीज है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मोलर सॉल्यूशंस का मास बाय परसेंट इस तरह होता है, ये मैंने आपको बता दिया, बस ये इतनी कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, अ सेलीन इज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिवियर डिहाइड्रेशन, मास बाय वॉल्यूम NaCl इतना दिया, इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो आप करें ना, इफ़ यू डिसॉल्व 0.85 ग्राम इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन यानी वेट बाय वॉल्यूम, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मास बाय वेट। ओके, बस जस्ट ये बताना है। अच्छा, 6.4 का आप देख लें कि है ये ए पार्ट है, 1.5 मोल्स ऑफ अ कंपाउंड डिसॉल्व इन 250, यानी ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और ये मोल्स दिए हैं, मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये है वॉल्यूम और ये है मोल्स, हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन डी एंड मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये इस तरह करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में चलें, देखें पार्ट बी, उसका आंसर किस तरह आ रहा है। इसमें थोड़ा एक है कि उस ऊपर मोल्स दे दिए थे, बट अब यहाँ जो है ना ग्राम्स में मास दे दिए, तो हमने इससे मोल्स निकालना है। फिर उसके बाद इसको इस तरह पुट करके ये आंसर निकालना है। ठीक है, आप देख लें, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दें, और हमारे इनोवेशन एकेडमी ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। अच्छा जी, ये है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सैंपल पोटेशियम क्लोरेट। फिर अब ग्राम्स में दिया हुआ है, मैंने मोलर मास निकाला, उसके बाद ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सा फार्मूला यूज़ करके मैंने ये आंसर डिडक्ट किया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको
कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं. होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.